घोषित किए गए हैं, जैसे ग्राम पंचायत शुर्ड वार्ड नंबर 2 और 6, ग्राम पंचायत खोखन वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत भुंतर वार्ड नंबर 4, इनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसको पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है और धारा 144 पूर्ण रूप से लगाई गई है। इसमें कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्यारे साथियों, उसके उपरांत बफर जोन है, इसमें ग्राम पंचायत शुर्ण वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 7, नगर पंचायत भुंतर वार्ड नंबर 5, इनको बफर जोन घोषित किया गया है। इनको भी पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है और धारा 144 पूर्ण रूप से लगाई गई है। इनमें सिर्फ व्यक्ति दैनिक गतिविधियां कर सकता है और सड़क पर नहीं आ सकता। अपने घर के आसपास ही हल्की फुल्की दैनिक गतिविधियां कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं आएगा। प्यारे साथियों, जो आपको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए उनका आप कड़ाई से पालन करें, ताकि कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी की लड़ी को शहर, गांव, जिला, देश व प्रदेश से दूर भगाने में हम सब लोग कामयाब हो सके और अपने देश को कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी की लड़ी से मुक्त कराने में कामयाब हो सके। आप लोगों का सहयोग कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी की लड़ी को दूर भगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे साथियों, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड, अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, जो आप लोगों की सेवा सुरक्षा हेतु बड़ी मुस्तैदी से अपने परिवार की प्रवाह के बिना आप लोगों की सेवा सुरक्षा हेतु अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उन्हें उत्साहित करें। उनके द्वारा समय समय पर जो जरूरी दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उनका कड़ाई से पालन करें, ताकि कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी